बीजेपी विधायक संगीत सोम से जुड़ी हुई सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम ने लव जिहाद के मुद्दे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इसका जवाब इसी भाषा में दें। उन्होंने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद आतंकवाद है। साथ ही कहा कि हाथ में कलावा बांधकर नाम बदलकर एक मिशन के तहत हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सब आतंकवाद का ही एक हिस्सा है जिसके लिए फंडिंग भी हो रही है और हम इस मामले में पुलिस के भरोसे नहीं रह सकते। सरधना से बीजेपी विधायक ये कहते हुए नजर आए हैं, विवादित बयान दिया है लव जिहाद के मामले को लेकर। हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचेरी क्या करेगी। एक तरफा जिहाद करने वाला प्यार नहीं करूंगा, जिहाद करने वाला व्यक्ति भरे बाजार गोली मार देता। एकजुट हों और एकजुट होकर इस सारी जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है इस पर विचार करें और जैसे को तैसा वैसा जवाब देने का काम करें। बाय हुक बाय कुक, डंडे से जूते से और जिस तरीके से भी जवाब देना पड़े जवाब दीजिए। जय हिंद। तो वहीं पर संगीत सोम के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने संगीत सोम पर पलटवार करते हुए तीखा निशाना साधा है। कहा कि नफरत की राजनीति करने वालों को देश की जनता सबक सिखाएगी। कोई भी राजनेता अगर कोई दल क्षणिक लाभ के लिए समाज के अंदर में नफरत फैलाएगा या समाज के अंदर में स्वार्थ का वातावरण खराब करेगा, आने वाले चुनाव में जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ऐसी पार्टी को, ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाएगी। और ये जो हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश है, ये विकास की राजनीति पे विश्वास करता है, ये जाति धर्म और नफरत की राजनीति पे कतई विश्वास नहीं करता है। इस देश के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति जीतेगी, नफरत की राजनीति हारेगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं अनुराग भदौरिया। अब हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे विशाल और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता। विशाल, क्या जानकारी है यहाँ पर? संगीत सोम ने ये जो बयान दिया है लव जिहाद को लेकर, एक तरफ उपचुनाव का दौर है, दूसरी तरफ ये बयान आना, क्या एक माहौल बनाने की कोशिश है या वाकई में वो अपना पक्ष रखते हुए समझ में आए हैं और बोलते हुए नजर आए हैं कि ये हमारा मत है और इसके लिए सिर्फ पुलिस पर ही भरोसा नहीं? और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके बाद अगले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर की रैली में ये कहते हुए नजर आए थे कि लव जिहाद को लेकर सरकार अब कानून बनाने की तैयारी कर चुकी है और जल्द ही ये कानून बना दिया जाएगा, ड्राफ्ट का तैयार हो गया। ऐसे में अब चूँकि आज जो है मतदान चल रहा है 7 सीटों पर और बीजेपी विधायक का ये जो बयान है ये सामने आया है। हालांकि संगीत सोम की हम बात करते हैं तो संगीत सोम का नाम तब सुर्खियों में आया था जब उत्तर प्रदेश में 2014 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और उसके बाद संगीत सोम और सुरेश राणा के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे थे। तो ऐसे में संगीत सोम इस तरह के जो बड़े बयान है या ये कह सकता है कि भाजपा के जो फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हो गए थे और अब फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमें खुद से कदम उठाना पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया, ये भी कहा कि हाथ में करावा बांध करके तमाम जो लोग हैं वो हिंदू बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का जिक्र जो है वो अपने फेसबुक लाइव के जरिए जरूर जो है संगीत सोम ने किया है। लेकिन साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश होती है और पिछले अगर आप 3-4 दिनों से देखिए तो जो उत्तर प्रदेश में माहौल जो है बनाया जा रहा है, चाहे वो लव जिहाद के मुद्दे को लेकर हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, इनमें साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। अब इसका फ़ायदा कितना होगा ये देखना होगा, लेकिन अगर इस तरह की कोशिशें कामयाब होती हैं तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को लेकर वो बैकफुट पर आए, वो हमेशा इस मुद्दे को लेकर फ्रंटफुट पर रहेगी और 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के मुद्दे को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं संगीत सोम, तो ऐसे में सीधे तौर पे यह भी कहा जा सकता है कि अगर 7 सीटों की हम बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ इस बयान का असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अगर आप देखिए तो ठीक मतदान से पहले इस तरह का बयान और बिहार में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं तो ये पूरा जो असर है ये बीजेपी के विधायक के बयान से कहीं ना कहीं से दिखाई भी पड़ेगा। और अगर आप पिछले देखिए तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स के बयान आ रहे हैं, चाहे वो मथुरा के मुद्दे पर हो, चाहे लव जिहाद के मुद्दे पर हो, या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयान आ रहे हैं, तो ऐसे में अब भाजपा के विधायक का बयान आना और बहुत सीधे तौर पे कह सकता है कि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्हनी में सीधे तौर पर जब प्रचार कर रहे थे इस बात का जिक्र किया था कि लव जिहाद को लेकर कानून जो है बनाने की तैयारी सरकार ने कर दी है। एक चीज और है विशाल, यहाँ पर हिंदुओं के सम्मान के साथ में जोड़ दिया है। सचिव विश्वास समाज से जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता, सीधा हम उनसे बात करते हैं। विशाल आपके पास आऊंगी, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में संगीत सोम का एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आतंकवाद है लव जिहाद के मसले को लेकर, इसी भाषा में जवाब उनको दिया जाना चाहिए। संगीत सोम तो खुद ही आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे वापस ले लिए, वरना तो वो खुद ही आतंकवादी हैं। जी उन्होंने ही नारा दिया ना कि खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती पुकारे माँ भारती। संजीव बालियान है, संगीत सोम है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आपराधिक मानसिकता के स्टार प्रचारक ही है ये लोग। तो इनका ऐसी बातें करना लाजमी है ऐसे लोगों को, और ऐसे आपत्तिजनक बयानों के लिए स्वर्ण उठा के बंद कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि अब लोग जो हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हाथों में कलावा बांध लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं, इनको भी फंडिंग की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? भाजपा सरकार में दो बड़े मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, पहले इन लोगों की घर वापसी कराएं, ये सब खुद ही जिहादी हैं। तो इनकी राजनीतिक दुकानदारी धर्म के आधार पर चलती है, तो ये लोग एक अलावा जनेऊ की राजनीति करते हैं। प्रदेश के क्या हालात हैं, अपराध चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा की दुर्गति है, और चिन्मयानंद जैसे लोग मालिश करा रहे हैं। लेकिन सुशील जी, आप कैसे कह सकती हैं कि जो मुस्लिम वहां पर हैं, कोई भी नेता या कोई भी मंत्री, तो वो जिहादी है? ये किसी आपसे बयान के आधार पर कह रही है या कोई आपके पास सबूत है? इस तरह के बयान देने से पहले सोचना भी होगा। एक बात समझ लीजिए जी, देश के पास आईपीसी है, देश के पास सीआरपीसी है, देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। ऐसे जब सभी प्रज्ञा ठाकुर और संगीत सोम जैसे लोग जब विधानसभा और संसद में बैठते हैं तो देश में पोलराइजेशन के अलावा कुछ नहीं बचता। ये फोर्सेस की ताकतें हैं, धर्म का दुरुपयोग करती है और आपत्तिजनक बयानबाजी करके लोगों में समुदायों में दूरी पैदा करती है। अगर तथ्य है तो आप पुलिस ऑफिसर की विवेचना को लीजिए। वो तो इसको सीधा जोड़ रहे हैं सम्मान के साथ, वो कह रहे हैं कि हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से लगातार लव जिहाद के मामले आए हैं वो आपको भी जानकारी होगी, इस पर क्या यूपी सरकार का एक्शन रहा, क्या कोर्ट तक मामला पहुंचा, तो इस पर ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी अपनी। देखिए, संगीत सोम है या कपिल मिश्रा है, इनका कोई सम्मान है? ये तो बदनुमा दाग है हिंदुस्तान के ऊपर, ये लोकतंत्र पर कलंक है ऐसे लोग। लेकिन चूंकि संविधान में उच्च शिखर उच्च पदों पर बैठे हैं तो वो प्रज्ञा ठाकुर संसद में गोरखे जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी को निष्कासित करना चाहिए। लेकिन तो आप क्या मानती है, क्यों दिया जा रहा है इस तरह का बयान जी? क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं संगीत सोम, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो विक्षिप्त है और हमेशा ही वो पोलराइज वाले बयान देते हैं। जमीनों पर कब्जा करना, अपने आसपास के आवाम पे अत्याचार करना, यही उनका काम है। वो खुद ही है, उनकी शख्सियत खुद ही गैर वाजिब है। तो जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो उचित मानती हैं आप, वो सही है? थोड़ा पीछे जाइए, मुजफ्फरपुर दंगों की हिस्ट्री उठाइए, खाप पंचायतों को उठा के देखिए, 20,000 पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने वापस लेने की आते ही संस्तुति की थी। उसमें यही संगीत सोम थे जो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से जाके मिले और व्यक्तिगत रूप से अपने मुकदमे लेने पर कार्यवाही। शुचि विश्वास जी, ठीक है, लापरवाह और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बयानों को बिल्कुल गंभीर। शुचि जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। शैला मणिचे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, सर स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। संगीत सोम का एक बयान सामने आया है लव जिहाद को लेकर कि ये आतंकवाद है, इसी भाषा में इनको जवाब देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संगीत सोम ने क्या कहा ये मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि निकिता तोमर जैसी बेटी अगर मारी जाती है धर्म परिवर्तन न करने के चलते, कोई अगर उसको मारता है लव जिहाद में, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाओं से दहशत और आतंक तो फैलता ही है, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को तकलीफ होती है क्योंकि इस तरह का विषय जब उठता है, इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं। शैला मणि जी, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले एक बार आप ये सुन लीजिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, फिर आप उस पर कुछ बोलेंगे तो शायद बेहतर होगा। एक बार हम सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा संगीत सोम ने। हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा, और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी। एक तरफा जिहाद करने वाला प्यार नहीं करूंगा, जिहाद करने वाला व्यक्ति भरे बाजार गोली मार देता। एकजुट हों और एकजुट होकर इस सारी जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पर विचार करें और जैसे को तैसा वैसा जवाब देने का काम करें,
बाय हुक बाय कुक डंडे से जूते से और जिस तरीके से भी जवाब देना पड़े जवाब दीजिए। जय हिंद। शलभ मणि जी आप क्या कहेंगे इस पर, आपने सुन लिया होगा क्या कुछ कहा है यहाँ पर संगीत सोम ने? देखिए मैंने कहा ना कि दीपिका तोमर जैसी बेटी अगर इस तरह से बीच चौराहे पे बीच सड़क पे इस बात के लिए मारी जाती है कि धर्म परिवर्तन उसने नहीं किया, एक व्यक्ति आता है उसको कहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, बीच सड़क उसको मारा जाता है, तो निश्चित तौर पर कई बार लोगों को तकलीफ होती है, गुस्सा होता है। हाँ जिसको तकलीफ, लेकिन सर जिस तरह से जो कर रहा है आप उसी भाषा में उसका जवाब देंगे तो ऐसे तो और माहौल खराब होगा। मैंने जो कहा वो मेरा विषय है, जो मेरे शब्द है शब्दों को आप अपने तरीके से प्रस्तुत न करें, मेरा आपसे निवेदन है। मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है, नहीं नहीं मैं संगीत सोम के बयान को लेकर बोल रही हूँ, उन्होंने कहा ना कि जैसे को जो जैसा कर रहा है उसी के हिसाब से उनको जवाब दिया जाए, मैं उस पर आप सवाल कर रही हूँ सर। देखिए मैंने कहा ना कि निकिता तोमर जैसी बेटी का इस तरह हत्या होती है धर्म परिवर्तन न करने के चलते, तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को तकलीफ ना होती हो और बहुत से दलों को तकलीफ ना होती हो, इनका अपना वोट बैंक प्रभावित होता हो। लेकिन आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीने के दौरान 100 इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। एक बेचारी बच्ची थी उसको नाम बदल के उससे दोस्ती की गई, उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अभी लखीमपुर में दलित बेटी थी उसको नाम बदल के उससे दोस्ती किया, कलावा बांध के हाथ में घूमते रहे, उससे दोस्ती करने के बाद उससे कहा कि तुम शादी करो धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उसको आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया, बेरहमी से उसके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए। तो ये आतंक ही तो है, दहशत ही तो है, ये जिहाद ही तो है, और इसको फंडिंग कौन कर रहा है ये तो सबको पता है। PFI जैसे संगठन, SDPI जैसे संगठन इसको फंडिंग कर रहे हैं, वो लगातार कोर्ट कचहरी के केसेस लड़ते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर निश्चित तौर पे गुस्सा है लोगों में, जी, लोगों में नाराजगी है, और इस तरह की निकिता तोमर अगर इस तरह की घटना, ठीक है शलभ मणि जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।